विद लेक्चर्स यू विल भी गिवन प्रॉब्लम टू सॉल्व अब कई बार क्या होता है हम लोग प्रॉब्लम सोल्व करते करते स्टक हो जाते हैं सो इन दैट केस देज अर टी ए सपोर्ट सो विद इन टू आवर्स आपका डॉट डाउट सॉल्व हो जाएगा एंड यू विल बी रेडी टू मूव अहेड आप लोग एक जगह पर स्टक नहीं होंगे आपकी मोटिवेशन लूज नहीं होगी ठीक है नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस कोडिंग इंडिया ऑल्सो ऑफर्स अ फ्री प्लेटफॉर्म विच इज फॉर प्रैक्टिस कोर्स स्टूडियो सो कोर्स स्टूडियो में आप लोगों को मिल जाएंगे इंटरव्यू एक्सपीरियंसिसज कंपनी वाइज क्वेश्चन कंपनी वाइज एंड अ लॉड ऑफ अदर रिसोर्स सच एज गाइडेड पाथवेज सो मेक श्योर टू चेक दिस प्लेटफॉर्म आउट हाय एवरीवन वेलकम टू दी एपिसोड नंबर थर्टीन आई नो एपिसोड नंबर ट्वेल्व जो था वो थोड़ा सा एग्जॉस्टिव था इसीलिए एपिसोड नंबर थर्टीन सिंपल सा होने वाला है काफी चिल होने वाला है प्रॉब्लम ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है सो द प्रॉब्लम इज क्लासिफाइड एज इजी द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज मर्ज टू शॉर्टेड लिंक लिस्ट एंड रिटर्न एड एज अ शॉर्टेड लिस्ट दो लिंक लिस्ट गिवेन है उनको आपको एज अ शॉर्टेड लिंक लिस्ट सिंगली बना के रिटर्न कराना है ठीक है दोनों को मर्च कर देना आपस में सच दैट जो रिजल्टेंट लिंक लिस्ट बनेगा दैट शुड सॉर्टेड चलो तो इसको करने के बेसिकली दो तरीके होते हैं इंटरव्यूअर आपसे कह सकता है कि ये जो मैंने आपको लिंक लिस्ट वन एंड लिंक लिंकलिस टू दिया ना इनका स्ट्रक्चर चेंज मत करना इनका स्ट्रक्चर चेंज मत करना ठीक है सो इन दैट केस यू विल हैव टू क्रिएट द थर्ड लिस्ट जो आप बनाने वाले हो ना तीसरी वाली लिस्ट वो आपको अलग से बनानी पड़ेगी उसमें आपको न्यू ऑपरेटर्स का यूज कर करके नई नई नोट्स बनानी पड़ेंगी राइट टोटल सिक्स नोट्स बनेंगी उसमें और वहां पर जो सिक्वेंस रहेगा वो रहेगा वन टू थ्री फोर सेवन एंड नाइन राइट सॉर्टेड होगा तो यही सिक्वेंस रहेगा वन सबसे पहले आपका वन आएगा देन आपका टू आएगा देन आपका थ्री आएगा देन फोर आएगा देन सेवन आएगा देन नाइन आएगा ठीक सो दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ डूइंग दिस इफ वी डोंट वॉन्ट टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ एलवन एंड एल टू एलवन एल टू को मैं छेड़ना नहीं चाहता हूं जैसे हैं उनको वैसे ही रखना है अब देखो दूसरा तरीका यह हो गया दैट आई कैन री यूज द नोट्स विच आर इन एलवन एंड एल टू यही नोट्स को एग्जैक्टली इन्हीं नोट्स को मैं री यूज कर सकता हूं मैं नया नहीं बनाऊंगा नोट्स ठीक है तो हम लोग देखने वाले हैं दूसरा वाला तरीका आई एम नॉट गोइंग टू यूज द न्यू ऑपरेटर न्यू ऑपरेटर का यूज क्यों करूं वन आई हैव द नोट्स ऑलरेडी क्रिएटेड मेरे पास है नोट्स तो मैं इनको रि यूज कर लूंगा अगर आपसे इंटरव्यू कहता है वो अलग बात है यू कैन हैंडल दैट बहुत ईजी हो जाएगा वो आपके लिए ठीक है ट्रिकी पार्ट यह है कि इनका यूज करके मैं कैसे नई लिस्ट बना दूं तो बेसिकली उसको करने के भी दो तरीके हैं आपके पास एक आपका आइट्रेशन से एक आपका रिकर्जन से चलिए तो हम लोग पहले सिंपल वाले तरीके की यानी रिकर्जन की बात कर लेते हैं रिकर्जन का वैसे सिंपल होता है अगर आपको रिकर्जन में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आती है ना देन थोड़ा सा पार्ट स्किप कर देना आगे आइट्रेशन का भी डिस्कस किया हुआ है बट इफ यू रियली वांट टू लर्न देन रिकर्जन का भी देखो ठीक है हो सकता है आपको यही प्रैक्टिस करते करते रिकर्जन अच्छे से सीखने में मिल जाए ठीक है सो so बेसिकली हमारे पास दो लिंक लिस्ट हैं पहली लिंक लिस्ट हमारी एलवन है एंड उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज डिनोटेड बाई एच ठीक है हेड वन फिर है हमारी लिंक लिस्ट टू उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज डिनोटेड बाई एच टू सो दीज आर एच वन एंड एच टू आर दी पॉइंटर्स ये दोनों पॉइंटर्स हैं नोड स्टार टाइप के एंड ये पॉइंट कर रहे हैं इन दोनों लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग पे अच्छा मुझे पता है एल वन सॉड है मुझे पता है एल टू भी सॉर्टेड है तो जो एच वन होगा ना एच वन जो कि एल वन के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है दैट विल बी पॉइंटिंग टू द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एल वन एल वन का स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा वो ठीक है और जो एच टू पॉइंट कर रहा है एल टू का स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा ठीक है अब मेरे पास एल वन का स्मॉलेस्ट एलिमेंट है मेरे पास एल टू का स्मॉलेस्ट एलिमेंट है तो मुझे क्या करना चाहिए तो दोनों ही एल वन एल टू में से जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा ना दोनों का मिला के कंबाइंड ग्लोबल स्मॉलेस्ट दैट विल बी आइदर एच वन या एच टू है ना इन दोनों में से एक होने वाला है राइट right? ठीक है तो मैं कंपेयर कर लूंगा आई विल कंपेयर दी वैल्यूज वैल्यूज कंपेयर करने के लिए एच वन का वैल्यू अगर एच वन का वैल्यू छोटा है एच टू के वैल्यू से राइट देन इन दैट केस मुझे पता है द स्मॉलेस्ट इन द एंटायर अवेलेबल नोड्स इज एच वन एच वन सबसे छोटा नोड है तो उसको मैं उसको मैं यूज कर लूंगा राइट दैट आई विल यूज एज द आंसर वो मेरा आंसर हो जाएगा तो या इट इज करेक्ट ओनली एच वन ही हमारा स्मॉलेस्ट अभी इसमें रहेगा वन ठीक है ये मेरा आंसर बनेगा अब वन के आगे में क्या लगाऊंगा वन के आगे में बाकी जितनी भी नोट्स बची है ना उनको मर्ज करके लगाऊंगा ठीक है तो बेसिकली रिकर्जन में मैं पास करूंगा इतना पार्ट इतना पार्ट मैं रिकर्जन में पास कर दूंगा ठीक है रिकर्जन में कहूंगा कि यार अब तुम ना इसको ठीक है इसको मैच वन बना दूंगा इसको और इसको इन दोनों को मर्ज करा के ला के दे दो जो भी रिजल्ट आएगा वो मैं इसके आगे लगा दूंगा नोट नंबर वन के आगे वो मैं रिजल्ट लगा दूंगा ठीक है तो ये वाला पार्ट मैंने रिकर्जन से करवा लिया एंड स्मॉलेस्ट वाला मैंने अभी खुद सेलेक्ट कर लिया राइट right? तो ये तो हमारा यहां से हट जाएगा और जो भी इसका रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी अटैचड आफ्टर वन वन के आगे वही चीज अटैच हो जाएगी तो ये शॉर्ट होगी जो लिंकलेस आएगी वन के आगे अटैच हो जाएगी सो दिस इज हाउ इट वर्क मैं कोड करूंगा तो बहुत ही ज्यादा सिंपल लगेगा आपको ये ठीक है और राइट लेट मी जस्ट गो टू द कोडिंग पार्ट नाउ काफी ज्यादा पसीना आ रहा है बिकॉज वॉइस की वजह से ए वगैरह सब बंद करना पड़ता है तो यहां पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा लिस्ट नोड स्टार का एंड uh, इस फंक्शन का नाम हम रखेंगे मर्च मर्च कराएंगे एंड को ठीक है सिंपल सी बात है यार अगर l1 नल हो गया तो मेरा आंसर क्या होगा मतलब l1 एग्जिस्ट नहीं करता है l1 के अंदर एक भी नोड नहीं है तो मेरा आंसर जो होगा दैट इज एल टू ठीक है वो सॉर्टेड है एल टू भी सॉर्टेड है ना तो इफ एल वन इज इक्वल टू नल इन दिस केस रिटर्न एल टू ठीक है दूसरा कंडीशन इफ एल टू इज इक्वल टू नल इन दिस केस रिटर्न एल वन ठीक है वाइस वर्सा अगर एल वन नल हो गया तो एल टू रिटर्न करा दो एल टू नल हो गया तो एल वन रिटर्न करा दो एज सिंपल एज दैट ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब हम करेंगे वैल्यूज का कंपेरिजन वैल्यूज का कंपेरिजन करेंगे एल वन का वैल्यू फ इट इज स्मॉलर दे एल टू का वैल्यू तो अभी करंटली आपको क्या यूज करना चाहिए आपको एलवन वाला जो नोड है वो यूज करना चाहिए एलवन वाला नोड आप यूज करो बाकी जो पार्ट है रिकर्जन में भेज दो रिकर्जन उनको मर्ज करा के सॉर्ट करा के ला के दे देगा उसको जो आपने सेलेक्ट किया ना पार्ट उसके आगे लगा दो ठीक है आपने एलवन सेलेक्ट किया अभी तो एल्वन के आगे, आगे आप लगा दो बेसिकली ऐसे लगाएंगे एलवन का नेक्स्ट इज इक्वल टू रिकर्जन से कहो कि मर्ज करा के ले आए कहाँ से L1 के नेक्स्ट से लेकर एंड तक एंड L2 टू बेसिकली एल एज इट इज रहने वाला है बिकॉज एल का मैंने एक भी नोड नहीं लिया है अभी एलवन का मैंने एक पहला वाला नोड ले लिया विच इज़ एल L1 वन एंड एल के नेक्स्ट से मैंने दोबारा से रिक्शन में भेज दिया लेट गो बैक टू द नोट पैड नाउ ठीक है अब देखो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो गे? जो पहला नोट था वो मैंने ले लिया है ठीक है दिस द फर्स्ट नोट और यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो मैंने भेज दिया दिस इज एल वन का नेक्स्ट एंड दिस इज एल टू ठीक है तो मैंने यहाँ पर एल वन एल टू ही ले लिया एच वन एच टू की जगह पर बट इट डजेंट मैटर जस्ट नोटेशन ही हैं वो ठीक है यहाँ पर मैंने एच वन एच टू ले रखे वहाँ पर मैंने एल वन एल टू ले लिया डजन मैटर और राइट ठीक है तो ये तो मैंने करवा दिया उसके बाद मुझे क्या रिटर्न कराना चाहिए यहाँ से मुझे यहाँ से रिटर्न कराना चाहिए एलवन ठीक है एज दी आंसर अदरवाइज दूसरी कंडीशन क्या होगी कि L2 की वैल्यू छोटी हो सो so, वैसे तो अगर L1 L2 की वैल्यू बराबर भी होगी ना तब भी वो एल्स वाली कंडीशन में आ जाएगी बट इट डजेंट मैटर उससे फर्क नहीं पड़ता बराबर वैल्यू तो आप अगर दोनों वैल्यू बराबर हैं तो एल टू से ले लो एल वन से ले लो इट डजेंट मैटर तो यहाँ पर हम लोग करेंगे एल टू का नेक्स्ट इज इक्वल टू मर्च ऑफ अब देखो एल टू का आपने एक नोड ले लिया एल टू का आपने एक नोड ले लिया है तो एल वन तो एज इट इज रहने वाला है और जो L2 है उसके नेक्स्ट से आप लोग भेजोगे बिकॉज करंट वाला तो आपने ले लिया और उसके आगे से आप भेजोगे मर्ज कराने के लिए तो ये काम हमारा आराम से रिकर्जन करवा के ले आएगा रिकर्जन हमें एक मर्ज करा के लिस्ट ला के दे देगा और वही लिस्ट जो है हम L2 के आगे लगा देंगे ठीक है ऊपर वाले केस में एल L1 के आगे लगाई है इधर हम L2 के आगे लगा रहे हैं तो लेट अस ट्राई टू ओके यहाँ से मैंने रिटर्न नहीं करवाया अभी और लेट मी रिटर्न एल टू ठीक है चलो एक बार इसको रन करके देखते हैं लेट मी कॉल दिस फंक्शन एम ई आर जी ई मर्ज एंड इसमें पास करेंगे एलवन कॉमा एल टू ठीक है तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर ना एक्चुअली यहाँ से रिटर्न कराना है बेसिकली लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है वी आर चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द लिंक लिस्ट जो हमें गिवन है एलवन एल टू उन्हीं के नोट्स को हम एक्जैक्टली यूज कर रहे हैं वी आर नॉट क्रिएटिंग एनी एक्स्ट्रा नोट्स ठीक है उन्हीं को आप चेंज कर रहे हैं उनका नेक्स्ट चेंज कर रहे हैं इस तरीके से और जब ब्रेकिंग द कनेक्शन बिटवीन दम तो अभी इसको सबमिट करते हैं दिस इज द रिकर्सिव अप्रोच काफी सिंपल है काफी नीट एंड क्लीन अप्रोच है एक बार रिकैप uh, करता हूं अगर एलवन नल है L1 में कुछ नहीं है तो आपका आंसर L2 है क्योंकि L2 टू सॉर्टेड है और अगर L2 में कुछ नहीं है तो आपका आंसर L1 है बिकॉज एलवन इज सॉर्टेड ठीक है अब मान लो कि दोनों में ही नोड्स हैं तो दोनों के जो फर्स्ट फर्स्ट नोड है ना विच इज डोनोटेड बाय एलवन एंड एल टू रिस्पेक्टिवली उन दोनों को कंपेयर करो तो अभी हम इनको कंपेयर करेंगे कंपेयर करने के बाद अगर हमें लगता है कि एलवन छोटा है तो एलवन आप अपने पास रख लो एंड l1 के नेक्स्ट से लेकर एंड तक और l2 इन दोनों को मर्ज करा लो ठीक है बचे हुए नोड्स को मर्ज करा लो और अगर आपको लगता है कि l2 की वैल्यू छोटी है तो l2 की वैल्यू मतलब l2 अपने पास रख लो और बाकी बचे हुए नोड्स को मर्ज करा लो मर्ज कराने के बाद इसी के पी, इसी के आगे अपेंड कर दो ठीक है एंड देन सिंपली रिटर्न ऑलराइट इसमें कितना टाइम लगा कितना स्पेस लगा बेसिकली यहाँ पर uh, लेट्स से एल वन में मेरे जो फर्स्ट लिंक लिस्ट है उसमें मेरे एम नंबर ऑफ नोड्स हैं दूसरी बार में एन नंबर ऑफ नोड्स हैं सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ एन प्लस एम ठीक है एंड वॉट अबाउट स्पेस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगने वाली है सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगने वाली है ये जो मर्ज वाला फंक्शन है ना ये कई बार कॉल होगा ठीक है इसमें स्टैक्स बनेंगी कितनी स्टैक्स बनेंगी ये तो वैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इसका क्या आंसर होगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कितनी स्टैक्स बनेंगी यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ब्रेन कर लो बाकी ये चीज़ मैं आपको कमेंट्स में बताता हूँ ठीक है अभी नहीं बताऊंगा कमेंट्स में आपको बताऊंगा अगर आप लोग रिप्लाई नहीं कर पाते हैं तो किसी का रिप्लाई सही हुआ तो मैं उसको पिन भी कर दूंगा ठीक है so, सो मुझे बताना व्हाट इज दी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना इसमें इंटरनल स्पेस लग रहा है और राइट right. तो ये तो हमारा रिकर्सिव अप्रोच अब हम इसी को आइट्रेटिवली भी कर सकते हैं राइट वी कैन डू इट आइटरेटिवली एज वेल तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा लेटस अगेन गो बैक टू द स्क्रीन चलो अब थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं और इसको आइटरेटिवली ट्राई करते हैं तो अगेन देखो मेरे पास चलो इसको मैं एलवन एल्टू ही बना लेता हूं एक्चुअली मैंने वहां पर भी एलवन एल्टू यूज कर लिया पर मैंने लिखा हुआ इसको L1, L2 है इसको बना लेते हैं इट इज एल टू ठीक है अभी देखो कंपेयर करेंगे पहले तो हम लोग एलवन एल टू की वैल्यूज को ठीक है अगर एल की वैल्यू छोटी है तो करंटली आई विल बी यूजिंग एल ठीक है बट ये एलवन में किसके आगे लगाऊं दिस शुड बी समथिंग जिसके आगे मैं ये एलवन को अपेंड करूँ राइट है ना या फिर तो आप ये मान सकते हो कि आप पहली नोट जो है ना इन दोनों लिंकलिस्ट की उन दोनों को कम्पेयर कर लो कम्पेयर दीज टू नोट्स और आपको जो भी छोटा लगे उसको हैड बना दो दिस विल बी योर आंसर या फिर हैड जो भी है इसको वो बना दो बाकी का फिर इसको यहाँ से रिमूव कर दो ओके लेटस जस्ट कैटरेड ऑफ दिस और फिर एलवन इसको बना दो ठीक है एलवन इसको बना दिया अगर एल टू छोटा होता तो यही काम हम लोग एल टू के साथ कर रहे होते ठीक अब बाकी इनको मर्ज करा लो मर्ज कैसे कराना है तो जस्ट कंपेयर द वैल्यूज बिटवीन एल वन एंड एल टू एल वन का वैल्यू uh, को कंपेयर करो एल टू का वैल्यू से कम्पेरिजन के लिए यू विल बी यूजिंग द सेम थिंग तो इन दिस केस एल टू का वैल्यू इज एक्चुअली स्मॉलर है ना यार मैंने हर जगह पे एच लिखा हुआ है इसको एल बना लेते हैं यस एल वन एल टू तो यहाँ पर एल टू का इज एक्चुअली स्मॉलर तो आपको ये वाला नोड यूज करना चाहिए राइट यू हैव टू यूज दिस नोड इसको यूज कर लो यहाँ पर और ये इसके आगे लगा दो ठीक है इसके आगे लगा दो All right, और राइट और एल टू को आगे बढ़ा दो ये जो आपका एल टू है इसको आप लोग आगे बढ़ा दो यहां पर कर दो एल टू को अगली बार फिर इन दोनों का कंपेरिजन होगा इन दोनों का कंपेरिजन होने के बाद पता चलेगा कि अभी भी यही छोटा है तो एक और इसको यहाँ पर अटैच कर दो ठीक है जस्ट अटैच थ्री हेयर थ्री को अटैच कर दो फिर एल टू को अगेन आगे बढ़ा दो आप लोग एल टू को अगेन आगे बढ़ा देंगे एल टू हमारा यहाँ पर आ जाएगा फिर से कंपेरिजन करेंगे कंपेरिजन करने के बाद पता चलता है कि यार ये छोटा है तो अगर ये एल वन छोटा है तो फिर आप एल वन को यहाँ पर लगा दो वैल्यू फोर को इस तरीके से आप लोग आगे आगे लगाते चले जाएंगे ठीक है अब लडर से इस, इस प्रोसेस में आपका एल वन खत्म हो गया या एल टू खत्म हो गया मतलब एल वन के पूरे नोट्स खत्म हो गए एल टू के पूरे नोट्स ख़त्म हो गए तो लडस से अगर एल वन के खत्म हुए तो फाइनली लास्ट में आप एल टू अटैच करा दो तो पूरा का पूरा है ना पूरी की पूरी बची हुई एल टू अटैच हो जाएगी और अगर एल टू के ख़त्म हुए तो बची हुई आप L1 पूरी पूरी अटैच करवा दो लास्ट में ठीक है लेट कोर्ट दिस आउट नाउ यार काश पसीना निकलने से कैलरीज बर्न हो जाती तो मेरे को एक्स्ट्रा वर्कआउट नहीं करना पड़ता लेक्चर्स बनाते बनाते सारी कैलरी बर्न हो जाती लेट मी जस्ट गेट रेड ऑफ दिस चलो हम लोग बनाते हैं तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि L1 L2 में से एक आप अपना आंसर बना लो ठीक है First, अगर L1 का वैल्यू पहली बात तो बेस केस लगाना ही पड़ेगा मतलब अगर एल वन नल हुआ एल टू नल हुआ उसके लिए बेस केस लगाना पड़ेगा इफ एल वन इज इक्वल टू नल इन दिस केस रिटर्न एल टू इफ एल टू इज इक्वल टू नल विफ देन रिटर्न एल वन मैंने इसलिए लगाया है बेस केस बिकॉज आई वॉन्ट टू कंपेयर द वैल्यूज़ नाउ राइट मुझे वैल्यूज कंपेयर करनी है एल वन का वैल्यू इफ इट इज़ स्मॉलर देन एल टू का वैल्यू ठीक है अगर ऐसा है तो इन दैट केस जो मेरा आंसर है आंसर बना लेते हैं लिस्ट लिस्ट नोड स्टार आंसर दिस विल बी माई आंसर ठीक है और यहां पर अगर L1 का वैल्यू छोटा है आंसर विल विल बी बी इक्वल इक्वल टू टू L1 अदरवाइज आंसर L2 ठीक है और एक और चीज आंसर इज इक्वल टू L1 तो हो गया वो ठीक है बट L1 को भी तो आगे बढ़ाना है क्योंकि ये वाला नोट तो कंज्यूम हो चुका है L1 इज इक्वल टू एलवन का नेक्स्ट ठीक एंड इस वाले केस में आंसर इज इक्वल टू एल टू एट द सेम टाइम एल टू इज इक्वल टू एल टू का नेक्स्ट ठीक है ये काम यहां पर कर दिया मैंने चलो अब बचता है मर्ज करना दोनों को मर्ज करना बचता है अब ट देखो जो मैं आंसर बना रहा हूं ना जो मैं फाइनल लिंक लिस्ट कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं उसके मुझे हमेशा एंड वाले पॉइंट पे अटैच करना है तो मेरे को एक पॉइंटर रखना पड़ेगा जो हमेशा एंड पे डिनोट करे सो दैट आई कैन ईजीली एड द न्यू नोट इन माई फाइनल लिंक लिस्ट ठीक है तो उसके लिए आई एम जस्ट कीपिंग वन मोर पॉइंट विल बी इक्वल टू टेल उसको टेल बोल देते हैं टी ए आई एल टेल ठीक है तो यहां पर आंसर इज इक्वल टू एल होगा साथ ही साथ टेल भी इज इक्वल टू एल होगा टेल इज इक्वल टू फिर वाइल लुप लगा देना है वाइल एल वन इज नॉट इक्वल टू नल एंड एंड एल टू इज नॉट इक्वल टू नल तो बेसिकली देखो यहां पर क्या है कि आपने वो क्वेश्चन किया होगा मर्च मर्च शॉर्ट किया होगा या फिर मर्च टू एरेज करके तो क्वेश्चन किया ही होगा नहीं किया तो कोई बात नहीं उस क्वेश्चन में भी यही होता है कि दो हम लोग को सॉर्टेड एरेज गिवन होते हैं उनको मर्ज करना होता है उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर लूप लगा के करेंगे जैसे हम लोग वहां पर लूप लगा के करते हैं ठीक है तो यहां पर जब तक दोनों नल नहीं, नहीं हो जाते तब तक वैल्यूज को कंपेयर करो कि अगर एल वन का वैल्यू छोटा है एल टू के वैल्यू से एल वन का वैल्यू छोटा है तो मुझे अपने आंसर में क्या अटैच करना है बेसिकली मुझे अटैच करना है एल वन तो टेल का नेक्स्ट टेल के आगे अटैच करो क्या l1 टेल के आगे l1 किया And tail is equal to l1 कर दो दो को को आगे आगे बढ़ा दो है है ना का एक ही बात और उसके बाद l1 को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा फर्स्ट केस अदरवाइज दूसरा केस ये है um, just copying this entire part. दूसरा केस ये होगा कि टेल का नेक्स्ट इज इक्वल टू एल टू एंड टेल इज इक्वल टू एल टू एंड एल टू इज इक्वल टू एल टू का नेक्स्ट ठीक है सिंपल उसके बाद देखो क्या कर सकते हो उसके बाद देखो ये जो लूप है आप exit इससे आप एग्जिट कब कर सकते हो इससे आप एग्जिट जब कर सकते हो या फिर एल वन नल हो गया या फिर एल टू नल हो गया या फिर दोनों नल हो गए दोनों नल हो गए तो बहुत अच्छी बात है दोनों नहीं हुए दोनों तो या तो एल वन बचाए या एल टू है तो भाई मुझे देखना पड़ेगा इफ एल वन इफ एल वन इज इक्वल टू नल अगर एल वन नल हो चुका है तो आप एक काम करो टेल टी ए आई एल टेल के नेक्स्ट में आप एल टू जोड़ दो ठीक है अदरवाइज टेल के नेक्स्ट में आप लोग एलवन जोड़ दो बेसिकली जो बचा है ना लड़े से एलवन ना लोगे तो इसका मतलब एल टू बचा हो सकता है तो टेल के आगे एल टू को जोड़ दिया लड़े से एल टू को न लोगे एलवन बचा है तो टेल के आगे एलवन जोड़ दिया फाइनली रिटर्न तो आंसर कराना है मेरे को बस लेट मी जस्ट रन दिस देखते हैं कुछ कंपाइलेशन एरर्स तो नहीं है यहाँ पर नहीं है सही चल रहा है लेट मी सबमिट दिस वैसे वीडियो को कितना भी शॉर्ट बनाना चाहो इट गॉट एक्सेप्टेड वैसे वीडियो को कितना भी शॉर्ट बनाना चाहो थोड़ी लेंथी हो जाती है बिकॉज ऑफ द एक्सप्लेनेशन और ठीक है फिर यार इसको कोड कर लेना मेरी हालत खराब हो रही है पसीने से जस्ट कोड इट आउट काफी नीट एंड क्लीन सिंपल सॉल्यूशन है रिकर्जन वाला और ये वाला भी काफी नीट एंड क्लीन हो सकता है कैसे हो सकता है ये काम आपको नहीं करना है इतना फालतू का जो हमने काम किया है ना कि पहले आंसर बनाया है select करके कि इनमें से कौन सा वाला पहले होगा उसकी इंट इंट आंसर इज इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड इसमें वैल्यू कुछ भी डाल दो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री वट एवर यू वॉन्ट मतलब कुछ भी रैंडम वैल्यू डाल दो आपको इवेंचुअली आपको इसको कंसिडर नहीं करना है ये काम किस लिए आएगी ये काम आएगी अटैचमेंट्स आगे आगे लगाने के लिए तो लिस्ट नोड स्टार टेल इज इक्वल टू आंसर तो बेसिकली अभी जो है आंसर इज इक्वल टू टेल है तो ये सब आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है बस ये मैं रिमूव कर दूंगा फाइनली रिटर्न क्या कराना है वो कराना है मेरा आंसर का नेक्स्ट आंसर का नेक्स्ट रिटर्न कराना है ठीक है बिकॉज पहला नोट डमी है अब मैं आंसर को क्या लेके चला था मैं आंसर को सबसे छोटी वाली नोट लेके चला था मैं यहाँ पर यहाँ पर आपको वो लेके नहीं चलना यहाँ पर आप डमी नोट एज एन आंसर ले लो फिर आपकी सिक्वेंशली नोट्स लगती चली जाएंगी इस डमी नोट्स के आगे ठीक है सिक्वेंशली लग रही है हम लोग सॉर्डेड फॉर्म में ही लग रही है तो डमी के आगे वाला पार्ट रिटर्न करवा दो दैट इज आई एम वट लेट मी सबमिट दिस ये भी हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा तो थोड़ा सा छोटा हो चुका है इट गॉड एक्सेप्टेड सो दिस इज इट फॉर द सॉल्यूशन कोड आपके सामने स्क्रीन को पॉज करो कोड को ऑब्जर्व करो ट्राई टू राइट इट बाई योर सेल्फ वीडियो को जरूर लाइक कर देना काफी सारे मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने के लिए सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड विच इज द एपिसोड नंबर फोर्टीन ठीक है इसी का फॉलोअ है इसी का फॉलोअप नेक्स्ट एपिसोड में जरूर देखना